हेलो फ्रेंड, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले अपने रसोई में गुड़ की चक्की। तो ये देखिए कितने मस्त गुड़ की चक्की बनाया मैंने, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। तो चलिए चक्की बनाना शुरू करते हैं। ये चक्की खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मज़ेदार लगता है फ्रेंड। अभी सर्दी की टाइम है और इतनी ये क्रिस्पी बना है। ये देखिए खस्ता कितना बना है। आपको चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गुड़ की और ड्राई फ्रूट की चक्की। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप मेरा वीडियो शुरू से पूरा देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं अपने रेसिपी में मूंगफली और तिल की और बड़े बादाम की और काजू की चक्की। तो देखिए मैंने थोड़ा आधी कटोरी मैंने मूंगफली लिया है, एक कटोरी तिल है, ये थोड़ी सा 2 चम्मच काजू है, ये देखिए 100 ग्राम बादाम है। तो हम इस सबको ड्राई फ्रूट को पहले हम भूज लेंगे घी में, उसके बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे, फिर हम चक्की बना के दिखाएंगे गुड़ की चक्की। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने गैस चालू कर दिया है, पैन बैठा दिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। हल्के से घी डालेंगे हम। ये देखिए हम पहले बादाम डाल लेंगे, बादाम को भूज लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड ड्राई फ्रूट, इसको 10 मिनट हम भूजेंगे, उसके बाद हम इसको खल में डाल के इसको कोट लेना है। मिक्सी में नहीं पीसना है फ्रेंड, हमको पूरा दम पाउडर जैसा नहीं चाहिए, दरदरा चाहिए, तभी चक्की खाने में अच्छा लगता है। हमारे मूंगफली को हमको ज़्यादा नहीं भूजना है, क्योंकि हम गुड़ में जब इसको हम डाल के इसको हम भूजेंगे तो ये पक जाए पूरे अच्छे से, ये हो जाएगा। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, हमारा ये हो गया है। गैस कम कर देंगे, देखिए ये मूंगफली तो भूजा हुआ है फ्रेंड, भूजा हुआ मूंगफली है। तिल को डाल लेंगे, तिल को ही भूज लेंगे हम, हल्का सा तेल भी भूज लेंगे हम। ये देखिए हमारे तिल पटपट बोल रहे हैं, तिल में आवाज आ रहे हैं हमारे, ज़्यादा तिल को देखिए, तिल मेरे सीख गए हैं। हम इस तिल को भी निकाल लेंगे, तो ज़्यादा नहीं भूजना है फ्रेंड, देखिए ये जलने लगेगा तो हम निकाल। काजू को भी भूज लेंगे हल्का। फ्रेंड देखिए ये भी हमारा सीख गया है काजू, तो हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए इसको हम मूंगफली को कूट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड हम इस खल में डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड ऐसा ही कूटना है हमको। तो हम चलिए हम सब पहले ऐसा दरदरा कूट लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने सारा कूट लिया है, तो चलिए हम गुड़ को भी कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये 1/2 किलो गुड़ है, 500 ग्राम गुड़ है, तो हम गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे, चक्की बनाना बहुत आसान है फ्रेंड और बहुत कम चीज़ में बन जाती है। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो ये चक्की खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और गुड़ तो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। ये देखिए आप चाहो फ्रेंड तो ये गुड़ को आप कूट के भी खल में डाल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसे हम इसको डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। चलिए हम सब कद्दूकस कर लेते हैं।
फ्रेंड देखिए मैंने सारा गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है। पहले तो हम इसमें गुड़ डाल के अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे हम। देखिए गुड़ डाल लिए हैं मैंने कद्दूकस करके, इसलिए डाला फ्रेंड। आप ऐसे कूट के गुड़ डालते हैं ना तो उसमें गुड़ बड़े बड़े ढेले रहते हैं तो अच्छे से नहीं पकते हैं गुड़ को, गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं होते हैं, गुड़ में स्वाद अच्छा नहीं आता है। फिर चक्की खाने में कड़वा लगता। देखिए फ्रेंड हम इसमें एक चम्मच पानी डालेंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे हम। देखिए कितनी जल्दी मेल्ट हो गए गुड़। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा मेल्ट हो गया है। बस इसको ऐसे जलाते रहना, इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये जल सकता है। फ्रेंड हम अपना गुड़ को इस, देखिए ठंडा पानी है तो हम इसमें इसे डाल के देखेंगे। दो मिनट इसको छोड़ देंगे हम। देखिए अगर आपके गुड़ पक जाएंगे तो इस पानी में पत्ते चल जाते हैं फ्रेंड, फिर इसको तोड़ के देखो। ये देखिए फ्रेंड हमारा गुड़ अभी नहीं पका है, ये देखिए चिपक रहा है, वापस डाल देंगे। अगर आपके गुड़ टूटने लगे तभी समझिए कि आपके गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। ये देखिए ऐसे छोड़ना नहीं है फ्रेंड, इसको चलाते रहना है। देखिए हम वापस इसको डाल, इस पानी में हम डाल के देखेंगे गुड़ को कि हमारा गुड़ पका कि नहीं, ठंडे होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड अभी हमारा गुड़ ऐसे लबड़ जी से हो रहे हैं, अभी हम ये नहीं पकाए अभी। जब तक से आपके गुड़ टूटने नहीं लग रहे हैं तब तक से आपकी अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है अच्छे से, ये अभी पका नहीं है। उसको हिलाते रहना है फ्रेंड। अब हम वापस एक बार और डाल के देखेंगे। बस गुड़ देखिए अभी ऊपर नहीं आया है। गुड़ आपके जैसे एकदम टूटने लगता है तब समझ लीजिए हो गया। फिर सारा इसमें आप मिक्स करिए। ये देखिए फ्रेंड हमारा गुड़ हो गया, ये देखिए टूट रहा है एकदम। तो हमारा डिश ये गुड़ बन गया है। चलिए हम इसे ड्राई फ्रूट मिला लेते हैं, ऐसा ही चाहिए था। ये देखिए फ्रेंड मैंने बड़ा बादाम पीसा था, मिक्स कर लेंगे। ये मूंगफली, ये तिल है, गैस बंद कर लेंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड मैंने इसमें घी लगा लिया है। अब इसमें हम दो को डालेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने दो डाल दिया है, थोड़ा सा हम मूंगफली चिपका लेंगे इसमें। काजू भी चिपका लेंगे हम। अब इसको हम बेल लेंगे। देखिए बेलन में आप हमेशा ये घी लगा लेना, नहीं तो ये चिपकेगा।
फ्रेंड अगर आपका ये गिरता है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। देखिए कितना अच्छा मैंने बेल लिया है। अब इसको हम कट भी कर लेंगे कि ये ठंडा हो तो आपके आराम से चक्की निकल जाए। देखिए देखिए ऐसे हम कट लगा लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आप कट नहीं लगा सकते हो, तो पहले आप इसमें कट लगा लो। आपको जैसा चक्की काटना है फ्रेंड, बड़ा छोटा आप काट सकते हो। अभी सर्दी का सीजन चल रहा है फ्रेंड, तो बहुत खाने में टेस्टी लगता है। ऐसे हम सारे ऐसे काट लेंगे, ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ठंडे हो जाएंगे फिर आप इसके चक्की निकाल लो। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको हर वीडियो आने वाला है हमारे नए आपको मिल सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा खाना कैसा लगता है। तो इसको फ्रेंड हम ठंडे होने देते हैं।